अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइड विद अरशद मेहदी व्यूअर्स। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू पार्क मोटर्स के सामने और आज जो बजट पेश किया गया है वफाकी हुकूमत की जानब से, उसमें गाड़ियों की कीमत में हैरत अंगेज तौर पर कमी हुई है। ख़ास तौर पे जो छोटी गाड़ियां हैं 850 cc गाड़ियां हैं उनकी जो प्राइस है उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। जो इंपोर्ट होने वाली गाड़ियां हैं उसमें जो कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और आम आदमी की पहुंच में ये गाड़ी अब हो सकेगी। इस वक्त हम यहाँ पे जानते हैं, बात करते हैं इनसे और पूछते हैं उनसे कि कितनी कमी जो है वो हुकूमती फैसले से इन गाड़ियों की कीमत में आएगी। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी प्राइसेस पूछते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या फ़ायदा होगा आम आदमी को जब हुकूमत की जानब से ये जो है फैसला इम्प्लीमेंट होगा। तो आप सर हुसनैन साहब ये बताइएगा कि बजट में जो फैसले किए गए हैं हुकूमत की जानब से उसमें आप क्या देख रहे हैं, कितनी कमी जो है वो आप देख रहे हैं गाड़ियों की कीमतों में आएगी? देखिए जी, गवर्नमेंट ने एक तो जो फैसला लिया, पहले तो मैं उसको सराहूँगा कि उन्होंने इस तरफ को नज़रसानी की है, क्योंकि हमने देखा है कि गाड़ियाँ जो है उनकी कीमतें हवा से बातें करने लगी थी। यानी कि हमने देखा कि 8 लाख रुपए वाली गाड़ी 14 लाख रुपए की, 14 लाख रुपए वाली गाड़ी 22 लाख रुपए की, 22 लाख रुपए वाली गाड़ी 40 लाख रुपए की, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अभी हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत जो है वो टैक्सेस के अंदर नरमी की है, तो छोटी गाड़ियों में जो कि 850 cc वाली जो गाड़ी आल्टो जो थी उन्होंने लॉन्च की सुजुकी वालों ने, वो आवाम की रीच में थी, तो वो गाड़ी भी हमने देखा कि वो भी 4-4, 5-5 लाख रुपये महंगी हो गई। तो पैसे तो आवाम के पास उतने ही थे लेकिन गाड़ी जो है वो पहुंच से दूर हो गई थी। बजट के बाद हमें अब ये फ़ायदा होगा कि वो गाड़ियां कम से कम 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए, वो ज़ाहरी बात है उन्होंने 2-3 टैक्सों में कमी डाली है, जिसकी बुनियाद पर मैं समझता हूं कि 2 से 3 लाख रुपए उन गाड़ियों में फ़र्क आ जाएगा। जहाँ पर रही बाकी जो लग्जरी गाड़ियाँ जैसे होंडा सिविक हो गई या टोयोटा की जो ग्रैंडी हो गई या होंडाई की एलेंट्रा हो गई, उसमें भी 2 से 3 लाख रुपये का डिफरेंस जो है वहाँ से भी गवर्नमेंट ने जो है वो वहाँ से भी उसमें आसानी हो जाएगी। जहाँ तक रही फिर बड़ी गाड़ियों का ताल्लुक, तो बड़ी गाड़ियों में गवर्नमेंट ने ऐसा कोई खास इम्प्लीमेंटेशन अभी हमें नज़र नहीं आया कि वो की है। हम कह सकते हैं कि जो जो निचला तबके के जो लोग हैं, जो मीडियम लोग हैं, जो कि गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने आसानियाँ इस तरह से की हैं कि आप देख लें कि अभी आल्टो के अंदर फ़र्क आएगा, बुलान के अंदर फ़र्क आएगा, चाइना की कुछ गाड़ियाँ चेंगान है, प्रिंस है, इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ जिनमें 2-2 लाख रुपये का डिफरेंस जो है वो अब आएगा। फिर इसके बाद जो जो जापान से गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, डेफिनेटली वहाँ से भी गाड़ियों के अंदर फ़र्क आएगा। लेकिन जो गाड़ियाँ हैं खासतौर पे जो आम आदमी को जिससे फ़ायदा हो सकता है, जैसे 850 cc गाड़ी उन्होंने कहा, तो उससे और जो मुकामी तौर पर गाड़ियाँ तैयार होंगी उससे कितना फ़ायदा होगा लोगों को, कितनी ज़्यादा जो आप समझते हैं प्राइसेस जो हैं उससे कम हो जाएंगे? मैंने आपको पहले भी बताया है कि तकरीबन 2 से 2.5 से 3 लाख रुपये ये फ़र्क आएगा छोटी गाड़ियाँ जो है, आप कह लें कि ये छोटी गाड़ी के लिए बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी आल्टो जो कि अभी मेरा ख्याल है 16 लाख रुपए इनवाइस है गाड़ी की, वो गाड़ी आपको 2-3 लाख रुपए के फ़र्क पर 14 लाख रुपए की मिलने लग जाएगी, तो वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वहाँ से काफ़ी बचत है, वहाँ को 2-3 लाख रुपये भी बहुत पैसे हैं। अभी गवर्नमेंट उस लेवल तक नहीं पहुँची कि हम कह सकें कि जो पहले गाड़ियाँ जो सस्ती थी उतनी सस्ती हैं गाड़ियाँ, लेकिन बहुत बेहतरी जो है ना, ये भी बहुत बेहतर वाली बात है कि 2-2.5 लाख रुपये भी किसी का बच रहा है तो वो भी बहुत पैसे। सर आप आइएगा, आप बताइएगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं आज जो बजट पेश हुआ है उसमें ख़ास तौर पे गाड़ियां जो है वो आम आदमी की पहुंच से निकल गई थी, छोटी गाड़ी जो है वो आम आदमी जो तनहादार तबका है वो लेना चाहता था लेकिन ले नहीं पा रहा था, तो उससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है इन गाड़ियों की कीमतों से? देखिए जी, गाड़ियाँ जो है ना, ये जो लोकल मैनुफैक्चरर हैं गवर्नमेंट ने इनकी तरफ फोकस ज़्यादा किया है और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि लोकल जो मार्केट है ना उसको जब आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे ना, तो एक तो डॉलर आपका पास ही रहेगा, बाहर नहीं ड्रेन नहीं होगा, और दूसरा जो लोग हैं ना पब्लिक आपकी है उसको जॉब्स क्रिएट आप करके दे रहे हैं। अभी तो लोगों को एक समझ नहीं आएगी एकदम से, लेकिन जब गाड़ियों 3-3, 4-4 लाख आप लोकल गाड़ी पर कम कर रहे हैं, जैसे एक 17% ड्यूटी किसी जगह पर आपने लगाई थी, आप इसको एक पे ले आए, तो उससे गवर्नमेंट पब्लिक को ये फ़ायदा होगा कि उसको नौकरियां भी मिलेंगी और उसका डॉलर बचेगा। जैसे इतनी मुश्किल से बाहर से लोग पाकिस्तान में कमा के भेज रहे हैं और उसको हम ड्रेन कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में भेजने, कभी जवान कभी किसी जगह पे, वो पैसा हमारे पास रहेगा, उससे जो एक सुराख है ना वो कम से कम गवर्नमेंट ने बंद करने की कोशिश की है, ताकि पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि बाहर की गाड़ियाँ जो है ना इम्पोर्टेड गाड़ियाँ ना बेची जाएँ, हौसला अफजाई की जाए, लोकल मार्केट में जो बनती है गाड़ियाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं समझता हूँ कि ये आवाम दोस्त है,
प्राइस कितनी कम होगी छोटी गाड़ी की, अगर उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाता है, अगर उस पर जो बाकी कस्टम ड्यूटी खत्म हो जाती है, रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म हो जाती है, तो ओवरऑल इन तीनों चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होगा, कितनी प्राइस कम होगी? छोटी गाड़ी को फ़र्क पड़ेगा 1.5-2 लाख के करीब, बड़ी गाड़ी जो है हो सकता है 5-6 लाख का भी फ़र्क पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा बजट है, नॉट बैड। बिल्कुल, आपने देखा कि इनका ये कहना है कि जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं उस पर खासा जो है वो फ़र्क पड़ेगा, और ख़ास तौर पे छोटी गाड़ियां और जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी कीमतें कम होंगी। लेकिन एक चीज़ जो काबिले ज़िक्र है वो ये है कि जो मुकामी तौर पर गाड़ियां तैयार होंगी, बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं मुकामी तौर पर इस वक्त तैयार होती हैं, सुजुकी की भी हैं, होंडा की भी हैं, बुलान है, इसी तरह से कोरे है, किया है, इन सारी ये जो गाड़ियां हैं ये लोकल भी तैयार होती हैं, इनके जो पार्ट्स आते हैं और ये लोकल तौर पे मैन्युफैक्चर होती हैं, इनके टैक्सेस में जो छूट होगी इससे हाथरहा कमी जो है वो गाड़ियों की कीमतों में आने वाली है, और वो जो लोग आम तौर पे गाड़ी नहीं खरीद पा रहे थे और दफातर में मोटरसाइकिलों पे जाते थे, अब शायद वो भी अपनी गाड़ी पे सफ़र करेंगे। तो ये आज का जो वफाकी हुकूमत का जो बजट है उसमें खुशाइन करार इसको दिया जा रहा है कि जो गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में खासी कमी आई, और ये एक इसको फर्स्ट स्टेप के तौर पे देखा जा रहा है। इसके बाद जब ये चीज़ें मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगी ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा इसकी डिमांड होगी, तो ज़ाहिर है इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, और उससे मज़ीद इन जो गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी जो है वो आएगी।